व्हाट्स अप, माय नेम इज आरुष फ्रॉम द चैनल। मैं आज बात करने वाला हूँ एक ऐसे फ़ोन के बारे में जो कि एक बहुत ही ज़्यादा स्वीट स्पॉट प्राइस पे आता है और इस प्राइस पे बहुत सारे स्मार्टफोन की कमी है। तो ऐसे में क्या इस मॉडल को आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। सो द प्रोडक्ट दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज़ द OnePlus नॉर्ड। 6GB 8GB रैम मॉड्यूल में आता है और स्टोरेज 128 से स्टार्ट हो जाती है इसकी, और जो इसकी प्राइसिंग है वो 27,000 के आसपास है। तो अब यहाँ पे बात ये आती है कि इस प्राइस में OnePlus जैसी ब्रांड का अगर आपको फ़ोन मिल रहा है जो कि एक फ्लैगशिप फ़ोन बनाने के लिए जानी जाती है 40,000 के ऊपर वाले, बट OnePlus Nord में भी क्या वो वही सेम फीचर्स के साथ अपना फ़ोन लॉन्च कर रही है? तो मतलब क्या हमें एक ब्रांड वैल्यू और साथ ही साथ हम लोगों को वो फीचर्स मिलेंगे जो एक फ्लैगशिप मॉडल में मिलते हैं? क्योंकि अगर OnePlus की हम लोग हिस्ट्री में जाके देखें, सो OnePlus One जब आया था तो इट वॉज प्राइस फॉर 22,000 विद 3GB रैम। उस टाइम कोई नहीं दे रहा था, इवन Redmi वॉज नॉट गिविंग 3GB रैम ऑन एनी ऑफ द स्मार्टफोन्स। तो इसी वजह से मेरे हिसाब से 3GB रैम, 64GB मेमोरी और फ्लैगशिप प्रोसेसर, फ्लैगशिप कैमरा सब कुछ दे दिया था उसने। तो इसी वजह से OnePlus वॉज अ बूम। OnePlus 3T आया, OnePlus 5 आया, OnePlus 7 आया, उसके बाद से थोड़ा सा इन्होंने प्राइस बढ़ाना शुरू कर दिया और एक जो हायर फ्लैगशिप डिवाइसेस होते हैं उसमें जाना इन्होंने शुरू कर दिया। अब बात यहाँ पे गाइज ये आती है कि क्या 27,000 रुपये में OnePlus Nord हमें वो एक हायर फ्लैगशिप प्रीमियम की फील देगा? क्या हमें वो अच्छे फीचर्स देगा और क्या हमारे हाथों में 3 साल के आसपास वो रुकेगा या नहीं रुकेगा? तो स्पेक्स के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूँ यहाँ पे, तो स्पेक्स में अगर इसकी सबसे मेन जो हार्ट ऑफ द मोबाइल होता है वो उसका होता है प्रोसेसर, ना कि रैम, जो कि काफ़ी लोग मिसकंसेप्शन में ले लेते हैं कि रैम अच्छी है तो हमारा मोबाइल जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ चलेगा। बट ऐसा नहीं होता यार, आपका प्रोसेसर जो होता है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो अगर प्रोसेसर अच्छा है और रैम अगर 4 भी है तो ठीक है, आप एक बार में 2 एप्लीकेशन 3 एप्लीकेशन यूज़ करोगे तो उसके लिए 4GB रैम बहुत ज़्यादा है। 8GB रैम तो हमारे लैपटॉप से PCs में होती है और हम लोग उस पर एडिटिंग जैसे काम करते हैं, तो यू गाइज आर नॉट डूइंग एडिटिंग ऑन योर फोन। तो 8GB रैम की मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत है नहीं फ़ोन में। तो गो विद द 6GB वेरिएंट अगर हम लोग यहाँ पे बात करने के लिए ले लें, तो 6GB रैम वेरिएंट के हिसाब से और एक स्नैपड्रैगन 700 सीरीज़ का चिपसेट लगा हुआ है उसमें, सो इतना कोई बढ़िया चिपसेट नहीं है, वो बहुत ही मिड रेंजर चिपसेट है और फॉर दैट दे आर चार्जिंग ₹27,000। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसका जो कैमरा है, वो कैमरा आपको यहाँ पे मिलता है चार कैमरा मिलता है, उसमें से आखिरी के 2 कैमरे तो आप हटा ही दो एकदम, क्योंकि जो 2 ऊपर वाले कैमरे हैं वही आपके मेन कैमरे हैं। एक आप लोगों को मिलता है मेन कैमरा यहाँ पे जिसमें अच्छे खासे पिक्सल, हाई मेगा पिक्सल का है, बाकी जो 2 कैमरे मिलते हैं मैक्रो लेंस और जो छोटा वाला लेंस है वो 2 MP के मिलते हैं। अब नाउ गाइस सी, आई एम मेकिंग माई वीडियो विद 720p ऑन माई 5 MP iPhone 6s कैमरा और आप लोग देख सकते हो क्वालिटी में कितना ज़्यादा डिफरेंस है 5 MP से शूट करने में, और अगर मैं एक 16 MP से शूट करूँ या 22 MP से शूट करूँ तो उसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है यहाँ पे वीडियो में, फोटोज़ में। तो यू गाइस कैन सी कि कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा अलग अलग हैं। बाहर ने तो काफ़ी पोस्ट प्रोडक्शन में इसको सुधारूंगा, पर एक रॉ फुटेज आप लोग ये देख सकते हो इसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस है इस चीज़ में। तो 2 MP वाले कैमरा अब आप लोग सोचो जस्टिस करेगा? नहीं करेगा, वो भी मैक्रो शॉट्स में बिल्कुल नहीं करने वाला। सो अगर OnePlus जो है यहाँ पे 2 MP का मैक्रो लेंस जो 2 नीचे वाले दिए हैं उसको हटा दे और अपने जो मेन कैमरा है जिसकी फ़ोटेज आप लोग अभी देख सकते हो यहाँ पे, फ़ोटो देख सकते हो, तो इतनी ज़्यादा खास आपका तो डू नहीं है जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे इस फ़ोन से हम लोग को मिलने वाली है। यहाँ पे अगर आप लोगों को कैमरा पर्पज़ से चाहिए तो पिक्सल के साथ आप जा सकते हो, 30-33,000 के अंदर वो आप लोगों को बहुत गजब का कैमरा प्रोवाइड करता है गाइस, लो लाइट अच्छी होती है। यहाँ पे अगर हम बात करें OnePlus Nord की, तो इतनी अच्छी है नहीं जितनी अच्छी OnePlus Nord ने प्रचार कर रखा है और कुछ लोग जो बता रहे हैं उसको। तो अगर जो कीन माइंड होते हैं और मतलब 27,000 में भी अगर ये फुटेज मिल रही है तो आप 10,000 का Redmi ले लो या 10,000 का सैमसंग का मोबाइल ले लो, पर कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे मेन चीज़ OnePlus ने यहाँ पे बहुत कुछ करने की कोशिश करी है इस फ़ोन के साथ, एक कंप्लीट पैकेज देने का ट्राई किया है, बट काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो इन लोगों ने मिस आउट कर दी है। एक 90Hz का डिस्प्ले है वो एक बहुत अच्छी चीज़ है, पर एक 1080p डिस्प्ले है, बट आज के टाइम पे QLED, Quad HD, 2K डिस्प्ले इन सब का चलन है, तो 1080p पे 90Hz देना इज़
प्रेटी बेसिक दीज डेज, और 28,000 की में अगर इंट्रोड्यूस कर दिया है सो इट्स गुड बट नॉट दैट अमेजिंग, क्योंकि ये 90 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले हमारे डेली एसेंशियल नीड्स में काम नहीं करता है. नॉट एवरी वन वॉन्ट्स टू प्ले गेम ऑन देयर मोबाइल और 90 FPS, और आधे लोगों को तो केयर भी नहीं करेगा कि 90 हर्ट्ज़ है या 60 हर्ट्ज़ है, दे डोंट केयर एक्चुअली. तो अगर यहाँ पे जो वन प्लस को सही चीज़ें करनी चाहिए थी वो थी कि इसका जो मेन कैमरा है सिंगल कैमरा उसको तगड़ा बनाना चाहिए था. एक डुअल कैमरा अगर आपको देना है वो पोर्ट्रेट मोड वगैरह के लिए तो यू गाइस कुड हैव स्किप्ड द बॉटम टू कैमराज एंड गॉन विद दैट कैमरा, द मेन कैमरा बेटर. और यहाँ पे जो स्क्रीन है वो 90 हर्ट्ज़ की बजाय अगर आप एक 2K डिस्प्ले दे देते तो भी मज़ा आ जाती, बट 90 हर्ट्ज़ डिस्प्ले इट्स गुड. आई एंजॉयड कि आपने इस प्राइस रेंज में इसको लॉन्च किया. आखिर में बात ये आती है कि विल दिस फोन स्टैंड विद मी फॉर 3 ईयर्स? तो नो डाउट दिस फोन अगर आप इसको सही से यूज़ करोगे, तोड़ोगे नहीं, गिरेगा नहीं आपसे, तो यस इट विल स्टैंड विद यू फॉर 3 ईयर्स, क्योंकि इसमें 2 साल का अपडेट्स वगैरह देने का प्रॉमिस किया हुआ है वन प्लस की तरफ से. ओनली थिंग इज़ कि अगर आप ये सोच रहे हो कि ये एक ऐसा फ़ोन है जो कि मेरे को फ्लैगशिप लेवल की चीज़ें देगा, तो गाइज यू विल बी डिसहार्टेंड. इसको लेने के बाद आपको वो मज़ा नहीं मिलेगा. एक फ़ोन स्विच करने के बाद थोड़ा सा आ जाएगा कि हाँ हमने फ़ोन स्विच किया है, तेज़ है, बट धीरे धीरे जब आदत पड़ेगी तो यू विल नो कि हाँ इसमें ये चीज़ें कमी है, इस चीज़ में आप ये अच्छा कर सकते थे इसमें. तो ये वन प्लस नॉट आई होप कि उन लोगों के लिए है जो एक बीच में फंस रहे हैं और सैमसंग के साथ नहीं जाना चाह रहे हैं या रेडमी के साथ नहीं जाना चाह रहे, तो वो वन प्लस के साथ जा सकते हैं. तो इस तरीके का है वन प्लस नॉट मेरे हिसाब से. सो गाइज इफ़ यू वॉन्ट टू बाई वन प्लस नॉट यू कैन गो विद इट, बट डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग मोर देन अ मीडियम रेंजर स्मार्टफोन जिसने बहुत सारी फीचर्स देने की कोशिश करी है बट किसी भी चीज़ को परफेक्ट नहीं कर पाए हैं. तो ये परफेक्ट फ़ोन नहीं है, इनकम्प्लीट फ़ोन मैं बोलूँगा. सो अगर आपको चाहिए तो आप इसको ले सकते हो, नहीं लेना है तो आपके पास ऑप्शंस नहीं है इस प्राइस रेंज में इससे बेटर मोबाइल के 20,000 से 30,000 के बीच में, क्योंकि everyone is offering the same thing with just the name changing and stuff. एंड में आउटपुट जो है यार इतना ही आता है. तो इसमें एक 90 हर्ट्ज़ डिस्प्ले एक प्लस पॉइंट है और इसकी जो फास्ट चार्जिंग आपको मिलेगी वो एक प्लस पॉइंट है. तो आप इस वाले फ़ोन के साथ जा सकते हो मेरी तरफ से. तो मैंने जो पॉइंट आपको बताए वो मेरे हिसाब से आप लोगों को थोड़ा सा क्लिक किया होगा, थोड़ा सा ट्रिगर भी हो सकता है कर दे. सो अगर ये चीज़ आपको हुई है सो लाइक कर देना इस वीडियो को. यही मेरा मोटिव था कि वन प्लस नॉट लेने से पहले थोड़ा सा सोच विचार भी लेना. सो विद दैट आई वुड जस्ट लाइक टू रैप थिंग्स अप फॉर नाउ टिल वी मीट अगेन. टाटा, बाय बाय, एंड सायोनारा.